ताली भी बजा दो भाई साहब। शौर्य की ये पावन धरती, इस धरती को प्रणाम करती हूं। मां शारदा का, मानस का ये मंच सजा है, इस मंच को वंदन करती हूँ। मंच पर जितने भी काव्य मनीषी हैं, स्वागत है, सभी को प्रणाम करती हूँ और विशेष प्रणाम आप सभी को करती हूँ। इतनी देर से आप कविताएं सुन रहे हैं, इतने सामर्थ्यवान श्रोता हैं, मैं चाहती हूँ कि पूरा सदन एक बार आप लोगों के लिए तालियां बजाए, कितनी ऊर्जा से आप लोग अब तक सुन रहे हैं। ये जो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। महोबा के प्रिय श्रोताओं, मैं अपने क्रम पर हूँ, धीरे धीरे अपने रंग में भी आऊंगी। मुझे जितनी ऊर्जा मिलेगी मैं भी देने का प्रयास करूंगी। कुछ पदों से जुड़ती हूँ। सबसे पहले आदरणीय मनोज जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। चार पंक्तियां अगर आप कहें तो उनकी कविता पर तिलक के रूप में लगाना चाहती हूँ। मुझे एक बार तालियों से अनुमति दे दीजिए। जब देश का कोई नौजवान व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर पैरवी करता है देश की, तब चार पंक्तियां कहने का मैं प्रयास करती हूँ। स्वागतम। सुनिएगा कि हर एक बहते हुए दरिया में गंगा देख लेती हूँ। हाय हाय। हर एक बहते हुए दरिया में गंगा देख लेती हूँ, दफन होता हुआ जलता पतंगा देख लेती हूँ, और मुझे महसूस होता है वतन महफूज है मेरा। हाय हाय। मुझे महसूस होता है वतन महफूज है मेरा, जवां हाथों में जब जब भी तिरंगा देख लेती हूँ। जवां हाथों में अच्छे। जब जब भी तिरंगा देख लेती हूँ। आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं आप ही के कोर्स की बात करूंगी। और ये जो बैठे पीछे से, एक ने ऐसी मोहिनी आवाज लगाई थी। आहा। हाथ हाथ खड़ा करके भी बता रहे हो, तुम्हारे आत्मविश्वास को मैं विशेष प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दे। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दे। ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दे। आहा, आहा। नहीं, कविता भी धार्मिक है और तालियां भी बहुत अच्छी हैं, पर पूरा पढ़ने तो दो मेरे भाइयों, पढ़िए मोहन जी। भाई तुम इतनी देर से सीटी बजा रहे थे, अब जाके तुमने सही जगह सीटी बजाई है। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दे। ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दे, और उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, कि जिसके एक इशारे पर ये अपनी जान तक। बस ऐसा ही उत्साह बना के रखिए। ये मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है, आप भी चेतन्य होइए। उस मोहल्ले के लोगों ने भुवन जी इधर के लोगों से कहा हंगामा काटो, और मुझे चिट्ठी भेजते रहते हैं। इसी मोहल्ले से एक चचा ने चिट्ठी भेजी, उसमें ये लिखा है कि माल मांगो तो माल देते हैं। रे यार पूरी तो सुनो, चचा की चिट्ठी है तुम्हारी नहीं। माल मांगो तो माल देते हैं, आई आफत को टाल देते हैं, और हम वो दीवाने हैं जो मोहब्बत में कोई मांगे तो कलेजा निकाल। अब आपके किडनी और गुर्दे निकालने के दिन है, आप रहने दो ये सब। एक बार तालियां वालियां बजा के समर्थन कर दो। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ पदों से जुड़ती हूँ, विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आपके उल्लास को बिल्कुल कम नहीं करूंगी, बस यही मेरा प्रयास रहेगा। सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे
हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई। बजा दो भाई बजा दो। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया हो। आप लोग भी बजाइए। मैं ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो पहले सोफे पर बैठे होते हैं वे तालियां नहीं बजाते हैं। आप भी बजाइए कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा दादा मेरा वीडियो बना रहे हैं। हाँ हाँ सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा अभी अभी तो आप इतनी ऊर्जा खर्च करके वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ सुनिएगा। स्वागतम। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और ये कह रहे थे कि मंच पर ताजमहल है और ये है वो है। सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। जहो पटाने में मजा आ गया। आ गया। आगे तो सुन लो कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा ये मोहल्ला भी जागा है और दादा आप तो क्या कमाल के जागे हो। सच सच मानिए देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। चिट्ठी भेजी है उधर से ही आई है। चाचा चिट्ठी नहीं भेजते हैं। चाचा स्वयं चले आते हैं। वो चिट्ठियों विट्ठियों में विश्वास नहीं करते। आप आनंद से रहिए। दरअसल आप बार बार उनको डांट देती हैं तो बेचारे मेरे पास ही भेजते हैं। इसमें ये लिखा है कि पुरानी भैंसिया क्या घास खाना छोड़ देती है। पुरानी वीन क्या सरगम बजाना छोड़ देती है। और बड़े बूढ़ों की देवी जी यूं ही इंसल्ट मत करिए। पुरानी तोप क्या गोले चलाना छोड़ देती है। आज मैं सोच कर आई थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लेकिन अब क्या करो। मध्य प्रदेश में खड़ी हूँ। यहाँ के बुजुर्ग ने बताया है। अब मत बोलो आप, फिर मैं कुछ बोल दूंगी तो बुरा लगता है। तालियां बजा के बोलो तो मैं उत्तर दे ही देती हूँ फिर। कि जबां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। जबां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम। और न देखो आईना लेकिन शकल देखो जरा अपनी। गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी हो रहे हो तुम। अच्छा आज तो इनको देखकर कई महिलाएं खुश हो रही होगी कि चलो अपने वाला ढंग का तो है इसलिए आप बैठो आनंद लो।
मैं दो पंक्तियां और सुनाती हूँ इस क्रम की और फिर अपने तेवर पर आऊंगी। एक बार मुझे तालियों से अनुमति दीजिए, मैं दो पंक्तियां और सुनाती हूँ। एक बूढ़े चचा ने एक चिट्ठी और दे दी है भुवन जी, आप अनुमति दें तो पढ़ दूं। इसमें लिखा है कि भरी को भीड़, उसमें भी ये लाठी टेक लेते हैं, नजर कमजोर हो फिर भी नजारे देख लेते हैं, और बड़े बूढ़ों से मत उलझो, अजब इनके कर्तव्य हैं जी, पड़ोसी के तवे पे भी पराठे सेक लेते हैं। बुजुर्गों की छोड़ो, आप भी यही कर रहे हो, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं कुछ उत्तर दूं। अच्छा बत दीजिए, आप कविता सुना, ताली बजा दो भाई बढ़िया वाली। अब ये पराठे सेके या कुछ भी सेके, चार पंक्तियां अब आखिरी सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। एक बार तालियां बजाकर कह दीजिए, मैं कविता पर आती हूं। इसे हम यही विराम करते हैं और मुझे मन दीजिए कि मैं वो सुना पाऊं जो सुनाने के लिए आई हूं। ये करना हो तो मैं पूरी रात कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कविता की प्यास आप लेकर बैठे हैं और मेरा भी समय हो चला है, मुझे भी निकलना है, तो एक बार तालियों से अनुमति दीजिए कि मैं हाथ उठा के दीजिए, ऐसे हल्की वाली नहीं। ये सुनिएगा, जो उधर से एक आवाज आई है उसी के नाम एक मुक्तक करती हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, ओहो, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे। वाह, जब ये इतना अच्छा सुना है तो चार और सुन लो। स्वागत है। कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, हाय हाय, ये भी जागे। कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम। और दो मुक्तक जो मुझे बेहद प्रिय हैं, क्या सुनना चाह रहे हो, क्या सुनना चाह रहे हो? अरे मैं मोई नहीं तो इतना इतना लाड़ दिखाओगे तो मुझे आधार भी यही का बनवाना पड़ जाएगा। बहुत प्रेम से, सच में आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। हाँ। मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, ओए। मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। मुझे एक बार तालियों से समर्थन दे दीजिए, मैं गीत तक आती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। माइक वाले थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर दीजिए, आवाज बहुत खींच रहा है। अच्छा, इस पर भी बच्चे को बिठाया है,
आजकल देश में गलत आदमी गलत कुर्सी पर बैठा होगा। पर इस कुर्सी पर सही आदमी बैठा है। ये वो आदमी है जो प्रति रात कुर्सी बदलता है, इसलिए सुनिएगा गीत का आनंद लीजिए। वही आनंद का गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुने कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। ये 12-15 पढ़े लिखे थे जिन्होंने तालियां बजाई। हाँ। चल 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 परदेसी, चल चल चल। भाई साहब आप भी बजाओ, दो के बीच में जो आप सैंडविच बनकर बैठे हो। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, पर ये अभी पीछे कुछ चेहरे हैं, सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हो। मैं ये गीत का पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो बागेश्वर धाम भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे वनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे वनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सुना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। चलिए कुछ ऊर्जा तो आप में आई। कि प्यार बिना हर तीरथ सुना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की फितरत है, कदम कदम पर नफरत है, गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। गीत का आखिरी अंतरा, ये जवान लोग यहाँ बैठे हैं, जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए, कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे मत बैठिए कि आप जबरदस्ती जिंदा हैं, तो एक बार उन्मुक्त होइए। मैं गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा। भाई तू ही लाकर दे दे पानी, यहां तक इतनी चिंता है तो। गीत का आखिरी अंतरा सुनिए। कहते हैं कि प्रेम कहां से मिला, प्रेम कहां से प्राप्त हुआ। ये चार पंक्तियां जो कवि मन लेकर यहां बैठे हैं उनके नाम करती हूं कि प्रेम कहां से मिला, सुनिएगा। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। बस कहने का मेरा अंदाज अलग है, क्योंकि मैं 23वीं सदी में हूँ, ये जो पीढ़ी है उस पीढ़ी की बात करती हूँ। ये गीत का आखिरी अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है।
ही धुआं है, देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये सो मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। अच्छा, इतने पीने पिलाने वाले बैठे हैं, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। ये एक दादा घर की ओर चले, मैं इन्हें प्रणाम। अच्छा सा वहां से ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी या सुनाई नहीं दे रही थी? दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बहुत आनंद में है, बहुत अच्छा लगा। महोबा, पहली बार इस तरफ आई हूँ, लेकिन इस क्षेत्र ने जो मुझे प्रेम दिया है मैं सदैव आभारी रहूंगी। अंतिम तीन मुक्तक जो मुझे, मेरी पहचान जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में दी है, यहाँ से बात हुई थी बेटियों की, प्रियंका ने बात की थी बेटियों की, इनका एक बहुत फेमस गीत है जो मुझे भी बहुत प्रिय है, हाँ मैं नारी हूँ। आज वो थोड़ा सा कटौती कर गई, उन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। एक बार मेरी छोटी बहन प्रियंका के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए, कितना अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस मंच पर आज चार बेटियां हैं, या यूं कहिए कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम चार बेटियां इस मंच से कर रही हैं। मध्य प्रदेश से भी एक मुहिम चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बेटियों की बात करना पड़ती है, मैं चार पंक्तियां समर्पित करती हूं। आपने बहुत उल्लास से सुना, ये कवि का कविता का मंच है, इसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, अगर आप इस उद्देश्य में समर्थन देते हैं तो मुझे स्नेह होगा। मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि बेटियों की बात क्यों होनी चाहिए, मंच का भी ध्यान चाहती हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। आए है, वाह, जिंदाबाद। कविता पर आपने मोहर लगाई, बहुत प्रसन्नता हुई। जब मैं मंच से ये मुक्तक पढ़ती हूँ तो कई हास्य के कवि ये कह बैठते हैं कि क्या बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, बेटियों की ही क्यों बात होनी चाहिए। अगर मेरा तर्क आपको ठीक लगे तो फिर पूरा सदन मुझे समर्थन करे, मंच स्वागत को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि क्यों बेटियों की बात करनी पड़ती है। सक कि ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, अगर एक नया विचार हो तो फिर समर्थन दीजिएगा। कि ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, आए हाए। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, वाह, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अंतिम चार पंक्तियां और मैं अपना स्थान लेती हूँ। श्रद्धा और आफताब की बात यहाँ मनोज जी ने की थी,
जी मैं ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि ऐसी स्थितियां होती क्यों हैं और कब नहीं होगी। सुने, कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। क्या कहने, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार महोबा, बहुत मोहब्बत जो तुम इतना प्रेम से कर रहे हो, सुनना चार पंक्तियां सुनाती हूं। हाँ हाँ, स्वागत। कि शुरू होते ही जब भी बात कोई आगे से कटती है, शुरू होते ही जब भी बात कोई आगे से कटती है, रात ये फिर नहीं सोने से ना जागे से कटती है, मोहब्बत एक पतंग है तुम उड़ाओ लाख पर सुन लो, ये जिस धागे से उड़ती है उसी धागे से कटती है। वाह, मुझे मालूम था कि ये माजने हैं आपके, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या सुनाऊं, गीत सुनाऊं या मुक्तक सुनाऊं? चार चार मिसरे सुनना चाहते हैं जिनकी पंक्ति चौथी बहुत धार्मिक हो? नहीं, ये सब मोहब्बत के मारे बैठे हैं। सजा देना मोहब्बत है, सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है, मजा देना मोहब्बत है, मजा लेना मोहब्बत है। तो ये जो मजा ले रहे हो आप मोहब्बत का, मैं सीटी कौन बजा रहा हूं? नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे देख के तो नहीं बज रही। आपको देख के बज नहीं सकती, निकल सकती है। मैं, ये ठीक है, रहने दीजिए मुझे, आप बिल्कुल बिल्कुल मत परेशान करो, मैं फिर ऐसा कुछ बोल दूंगी जो आप सुन नहीं पाओ। नहीं, मैंने आपके सम्मान में कुछ कहा ही नहीं है, जो कुछ कहा है अपने अपमान में कहा है। अच्छा, ये जो मंच के संचालक होते हैं, देखिए आप अलग से बैठाए जाते हैं, एक छोटा माइक दे देते हैं जिससे ये छोटी छोटी बातें किया करते हैं, तो आप इन पर बिल्कुल ध्यान मत दो। जितना ध्यान आपने मुझ पर लगाया हुआ है आप मुझी पर लगा के रखो। मैं एक गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। महुआ आप सब समझते हैं क्या होता है? एक बार ताली बजा के बताओ कि समझते हैं। मैं बस उसी का एक गीत सुनाती हूँ, सुनिए। हाँ। कि ऊपर था महुआ नीचे कुआ, इतना मजा आ रहा है। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पी के ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पी के ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, पानी पी कर ये क्या हुआ। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ट डिस्क का। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ड डिस्क का। मुई को किसने छुआ, पानी पी कर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ। अच्छा, इस पूरे गीत में हर बंद एक पीढ़ी को मैंने दान किया है, या यूं कहिए लिखा है,
ये बंद किस पीढ़ी के लिए है आप समझ जाएंगे। मैं कहूंगी नहीं क्योंकि कविता इशारों की भाषा है, सुनिएगा। कि पानी पीकर ये क्या हुआ, रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं, रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं, होश में आ जाए ये दीजे दुआ, दीजे दुआ। पानी पीकर ये क्या हुआ, ऊपर था महुआ, नीचे कुआ, नीचे कुआ। पानी पीकर ये क्या हुआ। और आखिरी बंद इस गीत का, ये दो बंद आपने अपने मनोयोग से सुने, आज ये तीसरा बंद मेरे मनोयोग का सुनिए। किस पानी की मैंने बात की है। भाई तेरी चाल बहुत अच्छी है, थोड़ा जल्दी से निकल जा। व्यक्ति दो चार बार निकल कर ये बताता है कि मैं भी हूं। हाँ। नहीं तुम तो बैठे भी ऐसी जगह हो। नहीं मैंने इसी ही कहा उसने कि मैं भी हूं चाहने वाला। उम्र में बहुत छोटे हो, कोई बात नहीं, के विद्यार्थी हो, रेमे की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो ये ना करो। अरे हिंदी पढ़ना आ जाए तो इंजीनियरिंग की भी पढ़ देगा। वो तो कुछ भी कर सकता है। सुनिएगा गीत का आखिरी अंतरा। स्वागत। कि पानी पीकर ये क्या हुआ, दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है, सबको पीना पड़ता है, दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है, सबको पीना पड़ता है, हो फिर भतीजा या हो भुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। थैंक यू सो मच।